गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर EBS ऑनलाइन क्लास। डियर चिल्ड्रन, वी आर डूइंग चैप्टर 10, अवर प्लांट वर्ल्ड। तो टुडे लेट अस कंटिन्यू इट। सो प्लीज ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 49, एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। द रूट्स, स्टेम, लीव, flower, fruit and seeds are different parts of a plant. बेटे, एक प्लांट के अलग अलग कितने पार्ट्स होते हैं? रूट्स यानी उनकी जड़ जो मिट्टी में होती है, स्टेम उसके ऊपर जैसे ये होता है ना, ऊपर जो निकली होती है उसको स्टेम बोलते हैं, लीफ उनकी पत्तियाँ, फ्लावर इज फूल, फ्रूट होता है फल और सीड्स होते हैं बीज। ठीक है, ये सब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट है। द फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स हैव सीड्स, और प्लांट के जो फ्रूट होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनके सीड्स होते हैं। आप खाते हैं ना फ्रूट्स, तो ऑलमोस्ट सारे, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनमें सीड होता है, किसी में एक होता है, किसी में बहुत सारे होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सीड नहीं होता। ठीक है, द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और सीड्स जो हैं वो नए प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। व्हेन प्लांट्स बिकम बिग दे बियर फ्लावर्स, और जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो उनमें क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। नाउ टर्न द पेज, पेज 50 पे देखो बेटे। कलरफुल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट इज द फ्लावर। फ्लावर बहुत कलरफुल होते हैं ना फूल, ठीक है, और बहुत सुंदर भी होते हैं। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। तो प्लांट्स का जो ब्यूटीफुल और कलरफुल यानी सुंदर और रंग बिरंगा पार्ट होता है बेटा, रंगीन, वो क्या होता है, उसका फूल। मोस्ट फ्लावर्स आर स्वीट टू स्मेल, और मोस्टली फ्लावर्स जो होते हैं ज़्यादातर, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर फ्लावर्स की स्मेल जो होती है वो बहुत ही प्यारी होती है, मीठी मीठी अच्छी स्मेल। ठीक है, यहाँ पर स्वीट का मतलब है अच्छी, जिस जो आपको प्लेजेंट लगती है, बहुत प्यारी लगती है। द फ्लावर बिकम्स द फ्रूट, और फ्लावर से फिर क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। फ्रूट होल्ड्स द सीड और सीड्स, फिर फ्रूट के अंदर या तो सीड होता है यानी एक बीज, या फिर सीड्स यानी बहुत सारे। अब यहाँ पर आप देखो, ये आपको प्लांट दिखाया हुआ है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ बेटे आपको, ये देखो। तो इसमें आपको प्लांट दिख रहा है और उसके सारे पार्ट्स लेबल किए हुए हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, ये मिट्टी है ना, मिट्टी के अंदर नीचे क्या है, रूट, ठीक है, जड़ जो मिट्टी में प्लांट को बांध के रखती है, उसे खड़ा करने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर तक आ रही है ये होती है स्टेम, स्टेम, और जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी स्टेम को हम बोलते हैं ट्रंक, यही पढ़ा था हमने। ठीक है, और ये छोटी छोटी आगे ब्रांचेस निकल रही हैं। अब इन ब्रांचेस में ये देखो ये क्या है, इधर से देखो ये लीफ, एक है तो लीफ और बहुत सारी हो गई तो लीव्स, ओके। फिर ये फ्लावर लगा हुआ है और ये लगा हुआ फ्रूट, ओके। ये सारे इसके पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ। अब आगे देखो बेटा, लेट्स नो, ये जानते हैं बेटा, दो पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। टू गेट क्लीन एंड फ्रेश एयर वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, हमें क्लीन और फ्रेश यानी साफ, क्लीन मीन्स साफ और फ्रेश मीन्स ताजी, एयर क्या होती है, हवा, ताजी और साफ हवा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, शुड हम लगाते हैं जब हमें किसी चीज़ पर प्रेशर देना होता है ना कि हमें ये करना ही चाहिए, तब हम शुड का यूज़ करते हैं, वी होता है हम, हमें क्या करना चाहिए, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए, मतलब उगाने चाहिए। ठीक है, प्लूरल ऑफ लीफ इज लीव्स, लीफ होता है एक पत्ता और उसका बहुवचन यानी उसके प्लूरल, बहुवचन क्या होता है, लीव्स, एक पत्ता बहुत सारे पत्ते, ठीक है, लीव्स होते हैं पत्ते, ओके। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज फूड फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए खाना। अब प्लांट्स खाना खाते हैं ना, तभी तो वो ग्रो कर रहे हैं, पर उनका खाना कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो बनाते हैं या उन्हें हम देते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, कैसे और कहाँ, ये देखो। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो,
प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए फूड की, खाने की ज़रूरत होती है. नीड मीन्स ज़रूरत, ओके. ग्रो मतलब बढ़ना. दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट. दे यानी वो, मेक बनाते हैं, देयर मीन्स उनका, ओन मीन्स अपना खाना, विद द हेल्प ऑफ, मदद से, किसकी मदद से, एयर मीन्स हवा, वाटर पानी, सॉइल होती है मिट्टी, और सनलाइट सूरज की रोशनी. तो हवा, पानी, मिट्टी और सूरज की रोशनी की मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है. दे मेक देयर ओन फूड, खुद बनाते हैं. लीव्स आर कॉल्ड अ प्लांट्स किचन बिकॉज दे मेक फूड फॉर द प्लांट. और लीव्स जो होती हैं उनको प्लांट की किचन बोलते हैं, क्योंकि वहीं पर सारा खाना बनता है. और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. आप बड़ी क्लासेस में आकर पढ़ेंगे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में. अभी इतना ही समझना है आपने, ठीक है, कि लीव्स होती हैं प्लांट की किचन, ये याद रखना है. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ये आपको याद रखना है. और खाना बनाने के लिए वो क्या क्या यूज़ करते हैं, एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट, ओके. तो ये सब आपने याद रखना है. नाउ टुडेज होमवर्क इस चैप्टर को पूरा आपने रीड करना है बहुत अच्छे से. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू इट्स बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर्स. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.